प्रेगनेंसी की खबरों के चलते अमृता राव लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। इसी के साथ एक बार फिर से उनकी और आरजे अनमोल की लव स्टोरी की चर्चा होने लगी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि इनकी लव स्टोरी एकदम फिल्मी है। जी हाँ, दोनों की पहली मुलाकात एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी। चलिए जानते हैं आखिर इस इंटरव्यू के दौरान क्या क्या हुआ था। बीते दिनों ही अमृता राव और आरजे अनमोल को एक क्लिनिक के बाहर देखा गया है। क्लिनिक के बाहर अमृता राव को बेबी बम्प के साथ स्पॉट किया गया। जी हां, आपको बता दें अमृता राव ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि आरजे अनमोल इन दिनों उन्हें और उनके होने वाले बच्चों को भगवत गीता का पाठ सुनाते हैं। वहीं साल 2016 में आरजे अनमोल और अमृता राव ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में साथ फेरे लिए थे। अमृता राव की प्रेगनेंसी की खबरें सामने आने के बाद एक बार फिर से सभी के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इनकी लव स्टोरी शुरू हुई तो हुई कैसे। अपनी फिल्म के सिलसिले में अमृता राव को एक रेडियो स्टूडियो पहुंचना था। ये वाक्य 2009 का है। अमृता ने आरजे अनमोल के शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट किया था। इस शो के दौरान ही अमृता आरजे अनमोल को अपना दिल दे बैठी। जी हाँ, आरजे अनमोल को इंटरव्यू देने के बाद जब अमृता राव घर के लिए निकली तो रास्ते में वो चाहकर भी उनकी एक भी बात नहीं भुला पा रही थी। तभी अमृता राव को यकीन हो गया था कि अनमोल ही वो शख्स है जिसके साथ उन्हें पूरी जिंदगी बितानी है। आपको बता दें आरजे अनमोल और अमृता राव ने एक दूसरे को समझने के लिए डेटिंग शुरू की। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे की पसंद नापसंद से लेकर हर एक चीज को जानने की पूरी कोशिश की। वहीं आरजे अनमोल और अमृता राव लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई ये क्यूट फोटोज के जरिए दोनों हमेशा ही फैंस को कपल गोल्स दिया करते हैं। आपको बता दें आरजे अनमोल और अमृता राव मम्मी पापा बनने वाले हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड भी हैं इसके लिए। और इन दिनों अनमोल अमृता को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव रहते हैं और उनकी काफ़ी देखभाल भी करते हैं। तो आपको कैसे लगी अमृता राव और आरजे अनमोल की ये लव स्टोरी, हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूँ कनिष्का शर्मा।